तो बच्चों लेट्स सी कि हमारे फर्स्ट चैप्टर का लास्ट डिटेल क्वेश्चन कौन सा है एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन्स डिस्क्राइब द इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ 1973 सेवेंटी थ्री कॉन्स्टिट्यूशन बच्चों दिस क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और ये अक्सर एग्जाम्स में आ जाता है अब आप लोगों ने इसका आंसर किस तरह देना है सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर गोइंग टू राइट अबाउट द की एस्पेक्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नाइनटीन सेवेंटी थ्री ये आपकी मेन हेडिंग हो जाएगी इसके अंदर उसके बाद बच्चों इस क्वेश्चन में ऑटोमेटिकली ही आपके तीन यानी दो पेजेस कवर हो जाएंगे थर्ड का थोड़ा सा पार्ट है पेज नंबर टेन पेज नंबर इलेवन और पेज नंबर ट्वेल्व पे जो आपके फंडामेंटल राइट्स हैं उसके बारे में थोड़ा सा मेंशन किया गया सो so, ये ऑटोमेटिकली क्वेश्चन इज इन द फॉर्म ऑफ हेडिंग्स आप लोगों ने हर हेडिंग को ब्लैक पेन से लिखना है और ब्लू पेन से उसकी डिस्क्रिप्शन देनी है और ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे मार्क्स भी दे सकता है तो प्लीज़ इसको केयरफुली सॉल्व कीजिएगा बच्चों आई होप आपको जो एक्सरसाइज़ है वो प्रॉपरली समझ आई होगी हमने चैप्टर वन के कवर किए हैं ऑब्जेक्टिव सेक्शन जिसके अंदर चूज द करेक्ट आंसर्स थे उसके बाद वी हैव कवर योर शॉर्ट आंसर्स और शॉर्ट आंसर्स के जैसे कि मैंने आपको बताया कि लेंथी नहीं होंगे टू द पॉइंट होने चाहिए और ऑन द अदर हैंड जो डिटेल्ड आपके आंसर्स हैं वो लेंथी इन नेचर होंगे पैराग्राफ फॉर्म्स में नहीं लिखना आपने उसको या तो बुलेट पॉइंट्स में लिखना है उसकी हेडिंग्स बना के लिखें या फिर अगर आपको कोई ऐसी सिचुएशन आ गई जिसके अंदर आपको नहीं याद रहे हेडिंग्स नहीं याद रही टाइटल नहीं याद रहे समझ नहीं आ रहा कन्फ्यूज़ हो रहे हैं तो पैराग्राफ्स की लेंथ आप लोगों ने बहुत छोटी लगी है तीन चार लाइनों से ऊपर आपका पैराग्राफ नहीं जाएगा बच्चों आई होप यू हैव वेरी वेल अंडरस्टोड हाउ टू अटेंड द क्वेश्चन अब मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर के बारे में बताऊंगी, आई एम बीनश अंसारी एंड एम एन इंस्ट्रक्टर ऑफ पाकिस्तान स्टडीज एट टूटोरिया डॉट पी के